नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया। ये मैच धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में होना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते मुकाबले का टॉस तक नहीं हो सका और आखिरकार मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अगले 2 मैच कहाँ पर खेले जाएंगे और वहाँ का मौसम का क्या मिजाज रहेगा, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। धर्मशाला में पहला वनडे बारिश के चलते रद्द किए जाने के बाद अब भारत और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत लखनऊ में होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित इकाना स्टेडियम में रविवार यानी 15 मार्च को दोनों टीमें सीरीज के दूसरे वनडे में आमने सामने होगी। और वहाँ के मौसम की बात करें तो 15 मार्च को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, किसी प्रकार की बारिश होने की कोई संभावना नहीं जताई गई है। इसके बाद बुधवार यानी 18 मार्च को सीरीज का तीसरा मैच कोलकाता में खेला जाएगा और कोलकाता में भी 18 मार्च को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च को लखनऊ का मौसम साफ रहेगा और 18 मार्च को कोलकाता का मौसम भी बिल्कुल साफ रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दें कि BCCI के सूत्रों से ये भी खबर सामने आ रही है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज के बाकी बचे दोनों मैच खाली स्टेडियम में कराए जा सकते हैं। ऐसा कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनाए जा रहे उपायों के तहत किया जा सकता है। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।